इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात लिविंग लेजेंड पंकज उदास जी के साथ। जी हाँ, आ रहे हैं आपके शहर 4 सितंबर को। जी हाँ, ओपेरा हाउस में। इट्स अ आइकन, इट्स अ मैं तो ये कहूँगा कि सबके लिए ये बहुत ही खुश किस्मती है और सबके लिए प्राउड मोमेंट्स है, क्योंकि एज ए इंडियंस सब कॉन्टिनेंटल, हम लोग, हमारे आर्टिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया में सिंगिंग में, गज़ल में अपना नाम किया, और अभी आ रहे हैं ओपेरा हाउस में। जी हाँ, आज एक स्पेशल मुलाकात पंकज उदास जी के साथ। आकाश लोढ़िया प्राउडली प्रेजेंट्स द गजल माइस्ट्रो पद्मश्री पंकज उदास लाइव इन कॉन्सर्ट। एक तरफ उसका घर एट द प्रेस्टिजियस सिडनी ओपेरा हाउस, हुई महंगी बहुत ही शराब के। 4th September 2022 at 6:30 PM. चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, और आहिस्ता कीजिए बातें, जिए तो जिए। पंकज उदास सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स ऑफ हिज म्यूजिकल जर्नी इन अ वन एंड ओनली मेगा कॉन्सर्ट अकंपनीड बाय हिज म्यूजिशियंस फ्रॉम इंडिया। बी देयर टू विटनेस द लिविंग लेजेंड पंकज उदास लाइव इन कॉन्सर्ट टू सेलिब्रेट हिज म्यूजिकल माइलस्टोन। टिकट्स ऑन सेल नाउ फ्रॉम www.sydneyoperahouse.com। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे लिए तो समझ लीजिए दिवाली आई है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही, जिसको कहें कि इट्स सच एन अमेजिंग यू नो फीलिंग दैट आई हैव पिछले 40 सालों में। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, गॉड हैज बीन वेरी काइंड दैट आई हैव परफॉर्म्ड इन सम ऑफ द फाइनेस्ट वेन्यूज इन द वर्ल्ड, starting from the Albert Hall to the Carnegie Hall in New York to Madison Square Garden to the Shrine and so on to the Esplanade in Singapore and so many auditoriums across the world. Ek hi auditorium aisa hai world mein ke jo mere liye baki tha, jahan maine performance nahi kiya tha, that is Sydney Opera House. पंकज जी, जो आकाश लोढ़िया जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप ओपेरा हाउस के सामने बैठ के कुछ बातचीत चल रही थी जब आपने ये इवेंट प्लान किया, या ये इवेंट आपने, ये 2 साल पहले होने वाला था, और आप श्री हिम्मत सिंह जी के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? नो, इट्स रियली वंडरफुल बिकॉज एक्चुअली आकाश's फादर वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, and Akash somehow from his childhood had so much of interest in my music and my kind of music actually, and every time when I came to Sydney for a concert, he would call me and he would say, Pankaj uncle, let's meet, and we would meet and we would have a meal together, and he always used to tell me that it's my dream to host a concert at the Opera House, because he said you deserve to be at the Opera House. That's very kind of him. To maine kaha zarur. To pichli dafe jab main aaya 2019 mein, to we went to this beautiful restaurant, naam to bhul raha hu main, but it's a very famous restaurant across Opera House. To us restaurant mein agar aap baith ke khana khaye to you can see the Opera House across you. To wahan baith ke humne lunch khaya, aur lunch khate khate Akash ne kaha ki dekhiye samne Opera House hai और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द आप वहां आपका कॉन्सर्ट हो। मैंने कहा जरूर। नाउ लेट मी टेल यू दैट आकाश बाय प्रोफेशन इज नॉट अ कॉन्सर्ट प्रमोटर। वो प्रमोटर नहीं है, एज यू नो, एज यू ऑल प्रॉब्ली नो दैट ही इज बेसिकली अ लॉयर, ही इज एन एडवोकेट, बट उसका ही हैज सो मच ऑफ पैशन फॉर म्यूजिक, एंड इट्स नॉट जस्ट माय म्यूजिक, इट्स म्यूजिक अक्रॉस द बोर्ड। उसको संगीत का बहुत शौक है। तो उसने कहा कि भाई मैंने कहा भाई तुम कर पाओगे? ही सेड आई विल गिव इट अ शॉट। तो मैंने कहा ठीक है, बट देन इट टर्नड आउट दैट ही हैज डन सच मेटिकुलस प्लानिंग, इतनी जबरदस्त प्लानिंग की है उसने कि हर चीज को उसने बराबर कंसीडर किया है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको नजरअंदाज किया हो। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सर्ट ही हैज कवर्ड, एंड आई एम रियली हैप्पी
that a couple of days back he sent me a message of WhatsApp saying that we have sold 80% of the auditorium. And I said, oh wow, that's unbelievable. I said, abhi to show ko 6 mahine baki hain aur already inhone 80% auditorium jo hai wo is sold. So I would put it this way, that it's no doubt Akash's great planning, but I would put it this way, that this goes to prove the love and affection which the Australian audience has for me, which the people in Australia have for me, and for which today through your channel, I want to take this opportunity to thank each and everyone who's going to be in the auditorium and even otherwise, to really thank them for giving me so much of support. Varna, aap ye dekhiye ki mera ek meri ghazal ka ek sher mujhe yaad aata hai. Meri ye ghazal bahut mujhe behad pasand hai ki kathin hai raah guzar thodi dur saath chalo, bahut kada hai safar thodi dur saath chalo. To jab maine safar shuru kiya tha to bahut kada safar tha, aur usme aage ek sher hai ki tamam umr kahan koi saath deta. Aaj ki duniya mein, aaj ke zamane mein kaun kisi ke saath rehta hai? Tamam umr kahan koi saath deta hai, ye janta hu magar thodi dur saath chalo. Now just imagine ke people are not loyal for more than a couple of years, as they say that to have a loyal fan base is God's blessings. So I think that this is a great blessing that people are with me after 40 years. And 40 साल के बाद भी उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट और उतनी ही मोहब्बत. आई थिंक दिस इज अनबिलीवेबल. पंकज जी, आपका जो फर्स्ट सॉन्ग आया था 1980 में, तो किस तरीके से कह सकते हैं कि ये 40 साल की जर्नी है? बिकॉज आपने गाना गाना शुरू किया था 8 साल की एज में. नहीं नहीं, गॉड इज काइंड, एज आई सेड, कि ये ईश्वर की मेहरबानी है, कि ऊपर वाले का कर्म है, कि as you said rightly, that I started singing at the age of 18, so it's a very long journey. But these last 42 years, as you said, have been very very eventful. Ke in 42 saalon mein bahut sari cheeze hui hain. On personal level, I would say that I have achieved so much in terms of in every area, in terms of my work, in terms of my popularity, in terms of my performances. As they say, the icing on the cake was that in 2006, the government of India appreciated my work in the field of ghazal, and I have also award, or that is the best award. Gee, so in 2006, the government of India gave me the Padma Shri award. So I feel that it has been a very eventful journey, and I look forward to create another great event at Sydney Opera House. Pankaj ji, 1986 में जो गीत आया था चिट्ठी आई है, जो आज भी जब भी कोई भी सुनता है तो मजा आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वापस उस टाइम पे चले जाते हैं. सो आपके साथ कोई ऐसी यादगार जुड़ी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जहां तक चिट्ठी आई है का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि चिट्ठी आई है के बारे में, उस गाने के बारे में और उसके साथ जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो वाकयात है उसके साथ जुड़े हुए, उसके बारे में अगर मैं बात करने बैठूं तो सही में एक पूरी किताब लिख सकता हूं मैं उसके ऊपर. इतनी सारी, इतने सारे इंसिडेंट्स आर कनेक्टेड विद चिट्ठी आई है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वो भी, ये भी गाना एक ऐसा है कि जो कहते हैं कि ऐसे गाने जो है वो बनाने से नहीं बनते, वो बन जाते हैं. और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है चिट्ठी आई है के बारे में, कि आई वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग राइट फ्रॉम द टाइम द सॉन्ग वाज बीइंग मेड, राइट फ्रॉम द टाइम इट वाज बीइंग रिटन बाय बख्शी जी, आनंद बख्शी साहब, एंड राइट टिल द एंड व्हेन आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग एंड वी पिक्चराइज द सॉन्ग. तो उस पूरे प्रोसेस में इतने सारे किस्से जुड़े हुए हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट माय लाइफ, सो होपफुली वेरी सून, होपफुली बिफोर सितंबर और अराउंड दैट टाइम, सितंबर अक्टूबर में,
आई विल बी कमिंग आउट विथ माई बायोग्राफी और उसमें यू विल रीड सो मेनी थिंग्स अटैच टू चिट्ठी आई है. बट जैसे आप कह रहे हैं तो दो लाइनें मैं जरूर सुना Please. देता हूं. चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है. बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है. चिट्ठी आई है वतन से. पंकज जी, जो नए सिंगर्स हैं, जो नए तरीके से रियाज करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली वो आपकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं प्रैक्टिस करने की. देखिए, ये हम लोग तो मॉन्यूमेंट जैसे हो गए अभी 40 साल पुराने. तो 40 साल से एक ही जगह पे खड़े हैं, तो अब ये इंस्पिरेशन यही लेनी चाहिए उनको कि ये बंदा अपनी जगह से हटा नहीं है 40 साल से. तो उसी की तरह होना चाहिए हमें जिंदगी में. देखिए क्या है कि काम आप जितना भी करें, चाहे वो 5 साल करें, 10 साल करें, बट टेक फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यू टेक मी फॉर एग्जाम्पल, जब से मैं छोटा था तब से मैं सबसे पहले दिन से मैं लता जी का बहुत बड़ा फैन रहा और मैंने बचपन में सारे लता जी के गाने गाए, बल्कि ऐ मेरे वतन के लोगों गा के मैंने एक प्राइज जीता था छोटी उम्र में. जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो अब यह है कि लता जी के गाने में जरूर गाता था, मेरी एक तरह से देखा जाए तो मेरी गुरु हैं वो. बट दूसरी बात जो मैंने उनसे सीखी वो कि आप देखिए कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा फिनोमिनन कि उन्होंने 70 साल तक काम किया एंड नेवर गॉट टायर्ड ऑफ इट. एंड आज भी आप देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ वर्क शी डिड, तो शी वॉज अ ह्यूज इंस्पिरेशन एज फार एज आई एम कंसर्न. देवानंद साहब थे, आप जानते हैं. अब देवानंद साहब को मैं अच्छी तरह से जानता था और देवानंद साहब का ये हाल था कि वो एट द एज ऑफ 85 ही स्टिल वॉज टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग अनदर फिल्म. तो मेरा कहना ये है कि ये लोग जो है ना वो आपको इंस्पायर करते हैं कि जिसके अंदर वो जज्बा है कि नेवर से नो, वो जिंदगी में कभी ना कहना सीखे ही नहीं, कहने लगे कि नहीं अभी तो और बहुत काम बाकी है. तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट देन यू कांट गो रॉन्ग. जिंदगी में आपको मेहनत तो करनी है, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत के साथ साथ वो डिटर्मिनेशन भी चाहिए, वो डेडिकेशन भी चाहिए, और वो एक बहुत जिसको कहे कि शिद्दत से वो जज्बा होना चाहिए कि भाई मुझे अभी तो बहुत लंबा जाना है. तो ये अगर आप if you have this kind of an approach then you can't go wrong. जी पंकज जी, एक मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने पूछा कि पंकज जी से जरूर पूछना कि आप कितने घंटे या कब कब रियाज करते हैं? देखिए, रियाज is a must for any singer, क्योंकि रियाज जो है वही आपको अपनी जगह पे रखना है. देखिए आपकी, इट्स वेरी सिंपल, इसके पीछे जो थियरी है या तो इसके से पीछे जो राज है वो ये है कि इट्स लाइक योर बॉडी. योर बॉडी नीड्स सम काइंड ऑफ वर्कआउट. इसी तो यही तो वजह है कि आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप जॉग करते हैं, बिकॉज योर बॉडी नीड्स सर्टन वर्कआउट टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन वर्किंग कंडीशन. द सेम वे, दो योर वोकल कॉर्ड्स आर वेरी स्मॉल, इट्स दे आर राइट हियर, but these vocal cords, they if you don't work out, then they tend to become lethargic, they tend to become sluggish. So it's very important that you work out your vocal cords
every single day, and you work out in such a way that your vocal cords remain fit. और जब तक आपके वोकल कॉर्ड्स फिट रहेंगे तब तक आपका गाना सही रहेगा। तो पंकज जी, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो पहले चिट्ठी थी और अब ईमेल का ज़माना है। सो अभी कैसे कि चिट्ठी के बाद, क्योंकि सुपर सुपर हिट के बाद, अभी नेक्स्ट क्या है आपका, आने वाला क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, ईमेल तो आ गई, बिल्कुल आ गई, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यूट्यूब भी आ गया जी। तो अब ये है कि वक्त बहुत बदल गया, कि एक जमाने में हम लोग गाने जो हैं वो कैसेट पे सुनते थे, सीडीज पे सुनते थे, अब वो वही गाने जो हैं हम यूट्यूब पे देखते हैं जी। तो आई गेस द फ्यूचर इज विजुअल्स, द फ्यूचर इज यूट्यूब, द फ्यूचर इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज आज के दिन में nobody wants to go and buy a CD or buy a cassette. I mean, everybody wants to listen to or see songs on the mobile. अब एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है वो एक मोबाइल में सिमट के रह गई है। तो looking at that, I felt that I need to do something, and because of that, I have worked on a project to launch a huge ghazal based channel on YouTube, which will be launching next month. So by the time I come to Sydney, that channel will be operative, that channel will be active. And wo channel I can guarantee you that it would cater to every single ghazal lover, every single sufi lover, every single qawwali lover, because is channel mein aapko ye cheeze milegi. और एवरी सिंगल आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंकज उदास, दिस यूट्यूब चैनल विल हैव मोस्ट ऑफ द टॉप आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैनल। सो आपको अगर गजल, कवाली, सूफी सुनना है तो यू गो टू दिस चैनल एंड इट विल गिव यू एवरीथिंग। वाओ, इट इज अ वेरी, वी आर वेरी एक्साइटेड। एक बहुत ही बड़ी और डबल धमाका कह सकते हैं कि 4 सितंबर को पंकज जी तो यहाँ आ ही रहे हैं, उससे पहले उनका यूट्यूब चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड में छा रहा है। हमें इंतज़ार रहेगा पंकज जी। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इंतज़ार रहेगा 4 सितंबर का ओपेरा हाउस में। एंड दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही आप बना के रखिएगा, भूलिएगा मत, ये 80% शो सोल्ड आउट हो चुका है, तो आप अभी भी उसकी टिकट्स ले सकते हैं, तो जल्दी कीजिएगा। एंड मिलते हैं इंडस सेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मैं आपका अपना वरुण तिवारी, नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Yeah.